फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिसेस पीएसए का चैनल। अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि लेट हो गया है। 10:15 हो रहे हैं, आपको दिखा नहीं सकती। मैं नहा भी ली हूँ और ब्रेकफास्ट आज मम्मी ने प्लेन मैगी बनाई थी, उस दिन जैसे मैं अंडे वाली नहीं, प्लेन मैगी, और मैं अभी खा के उठी हूँ। अभी मैं स्टडी करूँगी, मम्मी ने कहाँ जाने बाहर घूम रही है और पापा पूजा कर रहे हैं। देखिए सुबह सुबह आ गए हैं मयंक काम करने। अंदर चलो अंदर मयंक। नहीं बदमाशी नहीं, आ जाओ आओ। अच्छा चलो खुद से चलो चलो गोदी। अभी मैं स्टडी करने जा रही हूँ। अभी दो पेज बड़े कॉपी में हैंड राइटिंग है इंग्लिश और हिंदी की। अगर मैं छोटी कॉपी में करूँ तो मम्मी बोलेगी टू पेज लिखने हैं दोनों के, हिंदी के दो फिर इंग्लिश के दो, 4 पेज। इसलिए बड़े कॉपी में लिखना अच्छा है, मेरे लिए 2 कॉपीज में लिख मत 4 बार लिखने से अच्छा ही है ना। चलो मैं स्टडी। गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग काफी लेट चालू हो रहा है, अराउंड 11:30 हो गए हैं। तो बस ऐसी बैठी थी मैं ब्रेकफास्ट करके, जान तो रहे हो ठंडी का टाइम है तो कुछ करने का मन नहीं करता है। और हितिका बोल रही है उसने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉग, तो मुझे पता नहीं। हितिका पढ़ रही है अभी, मोजा वोजा फेंक फाक के उसका वही काम है। आज मैं बनाऊंगी गाजर की सब्जी, गाजर मटर की। मटर को हम बाद में फ्राई करेंगे, तो पहले हम ये गाजर और जो आलू है 2-4 इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम गाजर और आलू को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें नमक ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हम नमक बाद में भी डालेंगे। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे कवर करके अच्छे से कुक कर लेंगे। ध्यान रहे गाजर पकने के टाइम थोड़ा पानी भी छोड़ेगा, लेकिन उस पानी को सुखा लीजिएगा। एंड पानी जब तक सूख जाए तब तक अच्छे से ढक ढक कर पका लीजिएगा। पानी सूखते सूखते हमारा गाजर भी कुक हो जाएगा, जिससे हमें कम टाइम में आगे सब्जी बनाने में मदद होगी। तो ये देखिए मेरी गाजर यहाँ पर कुक हो गई है। ये देखिए पूरा पानी जो गाजर का सा सूख गया है। अब यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज एंड 4 हरी मिर्च, उसे मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इसमें डाल दो उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से चटकने देंगे। तेल बहुत ही कम यूज़ कीजिएगा, हमेशा मैं बोलती हूँ ज़्यादा तेल में सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। ये गलत फहमी है कि ज़्यादा तेल डालो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी, ऐसा नहीं है। तो बस प्याज डाल के प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी है ना। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन को सिलबट्टे में एक साथ पीस लिया था, आप चाहें तो अलग अलग पीस सकते हैं और कम मात्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसे भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की टमाटर लिए हैं, उसे डालकर हल्दी, नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर एंड 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक कर अच्छे से कुक कर लीजिएगा टमाटर के गलने तक। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा डाल के मसाले को कुक कर लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए मसाला जहाँ तक हमारा रेडी है। अब इसका पानी सुखाने तक इसे फ्राई करके हमने जो गाजर और आलू को फ्राई करा था उसे हम डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी। यहाँ पर मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा इसीलिए डाला क्योंकि गाजर मीठे होते हैं, तो मीठा टेक्सचर ना आए करके मैंने मसाले में उसको बैलेंस किया है। अब गाजर को हल्का फ्राई करके हम मसाले के साथ फिर इसमें थोड़ा सा एकदम नीम का पानी डालेंगे और इसे ढक कर स्लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। स्लो फ्लेम में कुक करने के बाद ये देखिए सारा पानी जब गाजर सोख ले तो हमारी सब्जी पूरी तरीके से रेडी है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे एंड मिक्स करके इसे उतार देंगे। तो ये रही हमारी गाजर की सब्जी। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का एंड खाने में भी टेस्टी है। बाहर हम लोग बैठे थे एंड ये देखिए मंकी भी देख रहे हैं। हम लोग यहीं पर बैठे थे
कहाँ गया ये रहा। वो तो बैठा हो गया खाना बनाने, मतलब रोटी जस्ट मैंने बनाई है देवू का रास्ता देखते देखते, 2 बज गए, नहीं आए, कुछ राशनिंग वगैरह लाना था तो वहाँ लेट हो गया, तो भैतिका को दे दिया है मैंने, वो तो खा ले कम से कम, हम दोनों साथ में खा लेंगे। ये देखिए खाने के पहले रिमोट, फेवरेट गाजर की। तो खाना पीना खाकर मैं यहाँ पर बैठी थी एंड देवू भी बैठे थे, वो कुछ काम कर रहे थे अपना फोन में, एंड बैठे बैठे मुझे काफ़ी लेजी लगा, फिर मैं अंदर जाके सो गई देवू को गुड नाइट बोल के। हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रही इवनिंग और इवनिंग के 4:05 मम्मी सो रही है, दिखा देखो कैसे सोती है मम्मी। कल तो मैं ऐसे ब्लॉग बना रही थी, जैसे मैं बन गई और फटाक से उठ के गई। गाइस तो अभी बज रहा है 6:20 एंड मैं सो गई थी 3-4 बजे करीब, तो उठी हूँ 5:30 बजे, तो मेरा जुम्बा करने में थोड़ा लेट हो गया, जस्ट जुम्बा करके बैठी हूँ, वॉक मैं पूजा कर रही हूँ, वॉक थोड़ी देर बाद करूंगी मैं, आधा घंटे बाद, क्योंकि एक सीरियल आने वाला है उसको देख के करूंगी। कल जुम्बा करके मेरा ये नस चढ़ गया है कि सोने, आई डोंट थिंक कि जुम्बा करने से चढ़ा है, क्योंकि सोते टाइम में ठीक थे एंड सुबह उठी हूँ तब से ये नस चढ़ गया, गर्दन के बहुत पेन हो रहा है। अच्छा, मुझे तो पता ही तुमको क्यों पता होगा बेटा, तुमको अपना काम फुर्सत मिले तब पता होगा ना। एंड जुम्बा, जुम्बा का असर सुबह मॉर्निंग में जब उठी तब मिला, पूरे हाथ में दर्द। फिर थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, फिर ठीक हो गया बोलिए। तो शुरुआत में आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिएगा, आपके बॉडी पेन होनी ही है, ऐसा नहीं है कि खाली जुम्बा कर रही हूँ तो हो रहा है, एंड इतना हैवी वेट, मतलब बहुत भारी लगता है खुद का हाथ ही उठाना में एक्सरसाइज टाइम। इसलिए मेरे को जब मम्मी एक्सरसाइज करते टाइम बोलती है, और अभी मम्मी एक्सरसाइज कर रही थी, बताओ। एक्सपर्ट है ये हर चीज की, करवाने टाइम देखिएगा बस। कुछ समझ में नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं है। तुम कैसे करते हो ये बताओ जरा। मैं भी तो कर रही थी। अच्छा तुम कैसे करते हो? मैं करती हूँ ना ऐसे ऐसे ऐसे, और आप जिस टाइम ऐसे 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 तो ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कर रही हूँ 30 मिनट से, आप बीच में आगे घुस के बड़ा जोश दिखा रहे थे। 10 मिनट बाद आई हूँ, 10 मिनट कम होते हैं। तो मैं 20 मिनट की ना, कहाँ 20 मिनट की। हितिका का दूध वाला मग ये अराउंड 3 ईयर हो गया बनाए, एंड मेरा भी है हमारी एनिवर्सरी का, हमारी 10th एनिवर्सरी में हमने ये कप बनाया था, तो इसमें मैं पीने नहीं देती हूँ उसको, क्योंकि एक मेमोरी जुड़ी है इससे, तो रखे रहते हैं तो कभी कभार निकालती है पीने के लिए। वह आज भी 8 बजे ही फ्रेश होने के लिए सो गया था, तो सोने से का जी चाहता था कि अपने सिर पटक ले, अपना सिर पटक ले, अगर